गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर फिफ्थ चैप्टर ऑफ साइंस विच इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए थे अप टू स्टोर्ड क्वेश्चंस तक, वो आपने फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी जो एक्सरसाइज के हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उनको वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करने हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो क्या है, पेज नंबर 80 पे आपकी बुक में, मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एसिड्स बेसिस एंड इंडिकेटर्स। हमें क्या करनी है, दो दो विशेषताएं बतानी है एसिड्स की, बेसिस की और इंडिकेटर्स की। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है, आप अपने नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ से देख के। एसिड्स क्या होते हैं, सोर होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं और उनको अगर टच करते हैं तो वो रफ होते हैं टच में। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एसिड की, एसिड टर्न करते हैं ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, आगे है बेस, बेस क्या होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में, मीन्स कड़वे होते हैं, और ये क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं अगर हम इनको टच करते हैं, सोपी होते हैं टच में। ठीक है, उसके बाद क्या है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस, बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, रेड लिटमस से वो ब्लू के अंदर चेंज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडिकेटर, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स चेंज करते हैं कलर एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में, और इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं, आप बोलोगे नेचुरल एंड सिंथेटिक। ठीक है, तो ये था हमारा स्टूडेंट्स कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ये आप राइट डाउन कर सकते हो यहाँ से। अब मैं करवा रही हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे अब हम। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ इज लिटमस ऑब्टेन्ड, लिटमस को कैसे ऑब्टेन्ड किया जा सकता है, हाउ वुड यू यूज ए लिटमस पेपर टू डिफरेंशिएट द गिवन सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कि आप कैसे यूज करोगे एक लिटमस पेपर को डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है और कौन सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो आंसर में लिखोगे स्टूडेंट्स आप, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो क्या है, हाउ इज लिटमस ऑब्टेन्ड, हाउ वुड यू यूज ए लिटमस पेपर टू डिफरेंशिएट द गिवन सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कि जो लिटमस है वो कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं और आप कैसे यूज करोगे एक लिटमस पेपर को डिफरेंशिएट करने के लिए गिवन सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को। तो आंसर क्या लिखा गया है, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन, लिटमस ऑब्टेन्ड होते हैं कहां से, लाइकन से। लाइकन क्या होते हैं, कंपोजिट ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग फंजाई एंड एल्गी। किससे बना है लाइकन, मैंने आपको बताया था जब लेसन रीड करवाया था कि जो लाइकन्स होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं किस किसके, एल्गी के प्लस फंजाई। ठीक है, तो ये बताया था मैंने, तो यही लिखा गया है। उसके बाद क्या बोला गया है, व्हेन ए ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब एक ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया जाता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, इट टर्न्स इनटू रेड, तो वो टर्न हो जाता है कौन से कलर के अंदर, रेड के अंदर। ठीक है, क्या था, ब्लू था, ब्लू किस में चेंज हो गया, रेड में। उसके बाद क्या लिखा गया है, द रेड लिटमस पेपर
रिमेन्स रेड, जो रेड लिटमस पेपर है वो कैसा रहता है, रेड ही रहता है इस सॉल्यूशन के अंदर। कौन सा सॉल्यूशन था ये? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हेन ए रेड लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने बात करी ब्लू लिटमस पेपर की, बट यहाँ पे अब क्या बात हो रही है, जो रेड लिटमस पेपर है जब हम उसको डिप करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, तो वो टर्न हो जाता है ब्लू के अंदर। किसमें टर्न हो जाता है? ब्लू के अंदर। जबकि जो ब्लू लिटमस है वो कैसा रहता है? ब्लू ही रहता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे मूव, विच इज सिंथेटिक इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। व्हाट आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स? नेम द सिंथेटिक इंडिकेटर दैट टर्न्स रेड इनटू एसिडिक मीडियम। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सिंथेटिक इंडिकेटर बताने हैं कि क्या होते हैं। उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं वो टर्न होते हैं रेड और एसिडिक मीडियम में, वो बताना है, ठीक है। नेम बताना है जो सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो आंसर में आप लिखोगे क्या, लिखना है आपको सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लैबोरेटरीज। मिथाइल ऑरेंज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। मिथाइल ऑरेंज हैज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है हमारा क्वेश्चन?
व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या होती है, गिव एन एग्जांपल, साथ में उसका एक एग्जांपल भी बताना है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, हम लिखेंगे यहाँ पे इसका आंसर, ए रिएक्शन, आपको बुक में से क्वेश्चन राइट डाउन करना है, मैं सिर्फ आंसर लिखती हूँ यहाँ पे, ए रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, इसको क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आर कोल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आपको लिखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हो गया हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। मैंने आपको करवाया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक होती रिएक्शन होती है, तो उसमें हमें आगे एक रिएक्शन लिखनी है बच्चों, वो क्या है लिखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4th का ही आंसर अभी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, NaOH, जो अक्षर मैं बड़े लिख रही हूँ कैपिटल है वो कैपिटल और जो स्मॉल है वो स्मॉल लिखने हैं, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर, उस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इससे हमें मिलता है क्या, सोडियम क्लोराइड क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl प्लस वॉटर प्लस हीट प्लस वॉटर, वॉटर का फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा क्या होता है, H2O और प्लस में आएगी हीट, ठीक है। तो अब होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4th कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5th पे। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है बच्चों, गिव रीजन फॉर दी फॉलोइंग, हमें रीजन बताने हैं जो ये नीचे दी गई है स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टेटमेंट है क्वेश्चन 5th का ए पार्ट का आंसर आए, पहले क्वेश्चन क्या है, द टूथपेस्ट प्रिवेंट्स टूथ डिके, जो टूथपेस्ट है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है टूथ डिके को, तो इसका आंसर आपको लिखना है क्या, क्वेश्चन 5th का ए पार्ट का आंसर करवा रही हूँ मैं आपको, डिकेइंग फूड पार्टिकल्स इन अवर टीथ, डिकेइंग फूड पार्टिकल्स इन अवर टीथ प्रोड्यूस एसिड एंड कॉज टूथ डिके, प्रोड्यूस
डिके, ठीक है। सिंस द टूथपेस्ट हैज एल्कलाइन इंग्रेडिएंट्स, ब्रशिंग क्या लिखना है आपको, सिंस द टूथपेस्ट हैज alkaline ingredients, comma, brushing with toothpaste, brushing with helps to neutralize the acid and prevent to decay. Neutralize the acid and prevents tooth decay. हमारे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के ए पार्ट का आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा जो फिफ्थ है उसके बी पार्ट का आंसर। बी पार्ट है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन फिफ्थ का, बेकिंग सोडा पेस्ट इज एडवाइज टू रब ओनली बी स्टिंग। बेकिंग सोडा का पेस्ट है जो एडवाइस करा जाता है कि जब हमें बी स्टिंग जो चीटी है मींस वो काट लेती है, आंट काट लेती, एंट काट लेती है, तो उसका आंसर लिखा गया है बी स्टिंग्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिड्स इन नेचर। बी स्टिंग के जो स्टिंग होते हैं उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। रबिंग बेकिंग सोडा ओवर द स्किन गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन। जो बेकिंग सोडा हम करते रब करते हैं स्किन पे वो हमें रिलीफ देता है पेन से ड्यू टू एंट और बी स्टिंग, ठीक है। जब हमें चींटी काट जाती है, बी काट जाती है मधुमक्खी। बेकिंग सोडा ए माइल्ड बेस, बेकिंग सोडा क्या है, एक माइल्ड बेस है जो न्यूट्रलाइज कर देता है इफेक्ट ऑफ एसिड को और इंजेक्टेड बाय बी एंड गिव्स रिलीफ। जब हमारी स्किन में जो एंट स्टिंग है इंजेक्ट हो जाता है तो वो हमें रिलीफ देता है पेन से, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और इसी के साथ हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं जो आपको नोटबुक के अंदर करने थे, ठीक है। अब हम करेंगे आपकी बुक में डी दिया गया है, डी पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। डी पार्ट करवा रही हूँ एक्सरसाइज का, डी पार्ट, उसमें चूज करने है करेक्ट ऑप्शन, चूज करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा द एसिड फाउंड इन स्पाइनेज इज, जो एसिड प्रेजेंट होता है स्पाइनेज में, पालक में, कौन सा होता है। ऑप्शंस दिए गए एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और टार्टरिक एसिड। तो आंसर आएगा सी, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका डी पार्ट का, उसका जो आंसर आएगा वो आएगा स्टूडेंट हमारा आंसर आएगा जो फर्स्ट का वो आएगा सी, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, ए सॉल्यूशन टर्न्स चाइना रोज सॉल्यूशन इनटू डार्क पिंक इट्स नेचर इज। एक सॉल्यूशन है वो टर्न होता है चाइना रोज सॉल्यूशन में पिंक, डार्क पिंक कलर के अंदर, तो उसका नेचर कैसा होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या कैन नॉट बी सेड। तो आंसर आएगा इसका ए, एसिडिक नेचर होगा उसका, तो यहाँ पे ए, ठीक है। ये आपको बुक के अंदर ही फिल करनी है, राइट डाउन नहीं करनी, फेयर नोट बुक के अंदर, ओके। क्वेश्चन थर्ड है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक कौन सी रिएक्शन होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन होती है हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आंसर आएगा थर्ड का क्वेश्चन का बी, बी पे आप टिक कर सकते हो। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, एन एंटासिड इन
द बॉडी, एक एंटासिड है हमारी बॉडी में, वो क्या है? ऑप्शन है क्लींस द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, क्विकन्स मेटाबॉलिक प्रोसेस, ऑल ऑफ दीज। तो फोर्थ आंसर आएगा हमारा बी, न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड आएगा बी। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? एसिडिक सोइल कैन बी मेड फिट फॉर कल्टीवेशन बाय ट्रीटिंग इट विद। जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसको मेड होती है मेड फिट फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए बाय ट्रीट, अगर हम उसको ट्रीट करते हैं किसके साथ? ऑप्शंस दिए गए हैं क्विक लाइम, सिलेक्ट लाइम, बोथ ए एंड बी एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो आंसर आएगा फिफ्थ का सी, जो बोथ ए एंड बी है, ठीक है, क्विक लाइम एंड सिलेक्ट लाइम। ये हो गए हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शन। आगे दिए गए हैं आपकी बुक में फिल इन द ब्लैंक्स, इनको भी आपको बुक के अंदर फिल करना है और यहीं से इनको लर्न करना है। ई पार्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स और इसके जो फर्स्ट दिया गया है आंसर फर्स्ट का करूंगी मैं आपको। क्या बोला गया है? लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश, लिटमस किससे ऑब्टेन्ड होता है? आंसर आएगा लाइकन। क्या आंसर आएगा? लाइकन। तो ये बुक के अंदर फिल करना है आपको। क्वेश्चन बी दिया गया है, सॉरी सेकंड दिया गया है, ए डैश टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, रेड लिटमस से ब्लू के अंदर कौन सा चेंज होता है? तो आंसर आएगा बेस। थर्ड दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, चाइना रोज सॉल्यूशन इम्पार्ट्स डैश कलर इन बेसिक मीडियम। जो चाइना रोज सॉल्यूशन है वो कलर कौन सा देता है बेसिक मीडियम में? तो आंसर आएगा इसका ग्रीन। कौन सा कलर देता है? ग्रीन। अगले क्वेश्चन फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स फोर्थ है हमारा, फिनोफ्थलीन रिमेन्स कलरलेस इन डैश मीडियम। फिनोफ्थलीन है वो कलरलेस रहता है कौन से मीडियम में? तो आंसर आएगा एसिडिक। कौन सा आंसर आएगा फोर्थ फिलअप का? एसिडिक फिल करना है आपको। एट लास्ट हमारा फिफ्थ है फिल इन द ब्लैंक्स, डैश सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नोर बेसिक इन करैक्टर। कौन से सब्सटेंस ना तो एसिडिक होते ना ही बेसिक होते करैक्टर में? तो आंसर आएगा न्यूट्रल। कौन से सब्सटेंस होते हैं वो? न्यूट्रल, जो एसिडिक भी नहीं होते और बेसिक भी नहीं होते। सो स्टूडेंट इसी के साथ हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट होते हैं। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स ट्रू और फॉल्स। आपके बुक में जो दिए गए हैं एफ पार्ट है हमारा ट्रू फॉल्स। फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, फर्स्ट है ए लिटमस पेपर चेंजेस इट्स कलर इन ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। जो एक लिटमस पेपर है वो चेंज करता है कलर को न्यूट्रल सॉल्यूशन में? तो आंसर आएगा इसका फॉल्स। आंसर फर्स्ट का करवा रही हूं मैं ट्रू एफ पार्ट में, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, आगे हमारा सेकंड ट्रू फॉल्स, एसिड्स आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। जो एसिड होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में और सोपी होते हैं टच में, तो ये गलत दिया गया है। इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि एसिड सो सोर होते हैं, तो इसका आंसर आपको क्या करना है? फॉल्स, और रफ होते हैं टच में। क्वेश्चन सॉरी थर्ड ट्रू फॉल्स है हमारा, ए साल्ट फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑलवेज बेसिक इन नेचर। जो सोल्ट बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से तो वो क्या होता है? बेसिक होता है हमेशा नेचर में, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, हमेशा वो बेसिक नहीं हो सकता। उसके बाद फोर्थ है हमारा ट्रू फॉल्स, इन इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। क्या जो इंडिकेटर्स हैं वो चेंज करते हैं अपना कलर एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में? तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स ट्रू। आगे है ट्रू फॉल्स लास्ट हमारा फिफ्थ, एन एसिड एंड एन इंडिकेटर न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म ए साल्ट। क्या जो एसिड और एक इंडिकेटर है वो न्यूट्रलाइज करते हैं एक साथ और देते हैं साल्ट? नो, ये तो ऐसा नहीं होता। एसिड और बेस न्यूट्रलाइज करते हैं एक साथ, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। अब हम करते हैं मैच दी कॉलम्स, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। ये जी पार्ट है हमारा, ठीक है, तो हमारे क्या है ये मैच। तो कॉलम फर्स्ट है जो हमारा, उसको मैच करना है कॉलम सेकंड से। कॉलम फर्स्ट में सबसे पहले दिया गया है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो कितनी है पहले, तो पांच है हमारे, दो तीन
चार पांच। टार्टरिक एसिड को आप मैच करोगे कॉलम सेकंड में किससे? टैमराइन से, सी से। फर्स्ट को सी से मैच करोगे। सेकंड दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप मैच करोगे स्टूडेंट सोप सॉल्यूशन से कॉलम बी में ई से, ठीक है। आगे दिया गया है लिटमस, थर्ड कॉलम ए में लिटमस, लिटमस को आप मैच करोगे लाइकन से बी से, कॉलम बी में बी से। कॉलम ए में दिया गया है फोर्थ चाइना रोज, चाइना रोज को आप कॉलम बी में मैच करोगे नेचुरल इंडिकेटर से ए से। एट लास्ट फिनोफ्थलिन कॉलम ए में दिया गया है, उसको आप मैच करोगे सिंथेटिक इंडिकेटर से डी से। तो ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे मैच दी कॉलम्स, ठीक है। ये आपको बुक के अंदर ही फिल करनी है। अब मैं आपको करवाऊंगी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन, ये आपको फिर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हाउ कैन यू टेस्ट इफ ए गिवन कलरलेस लिक्विड इज एन एसिड और ए बेस विदाउट टेस्टिंग इट। क्या बोला गया है कि आप कैसे टेस्ट करोगे, एक हमें कलरलेस लिक्विड दिया गया है कि वो एसिड है या बेस है बिना उसको टेस्ट किए। तो आंसर दिया लिखा गया है यहाँ पे, इट कैन बी टेस्टेड यूजिंग एन इंडिकेटर, इसको टेस्ट किया जाता है यूज करके एक इंडिकेटर। ए लिटमस टेस्ट कैन बी परफॉर्म, एक लिटमस टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा बाय पोरिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कलरलेस सॉल्यूशन। उसके उसमें हम क्या करेंगे, पोर करेंगे कलरलेस सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स ऑन ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पे और रेड लिटमस पेपर पे, ठीक है, स्ट्रिप पे। इफ द ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड, अगर जो ब्लू लिटमस जो पेपर है वो टर्न हो जाता है रेड में, द सॉल्यूशन इज एसिडिक, तो सॉल्यूशन होगा एसिडिक। अगर जो अगर रेड लिटमस जो है टर्न हो जाएगा ब्लू में, तो इसका मतलब सॉल्यूशन का क्या है, बेसिक। If the color of the solution does not change, अगर जो solution का color है वो change नहीं होगा, तो वो इसका मतलब क्या है, वो neutral है, neutral है। तो ये था students हमारा कौन सा question, first question higher order thinking skill का, okay? अब हम करेंगे move second question पे। हमारा जो second question है higher order thinking skill का वो है इन ए सोल्यूशन एक्ट वाई रेड लिटमस पेपर इज डिप्ड इट रिटेन इट रिमेन रेड, वट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन एक्ट, वट कलर वुड इट इम्पार्ट इफ टेस्टेड विद चाइना रोज इंडिकेटर। एक सोल्यूशन है एक्स, कोई भी सोल्यूशन मान लिया, हमें कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे एक्स दे दिया, जब रेड लिटमस पेपर डिप करा जाता है तो वो रेड रहता है, ठीक है। तो नेचर क्या है सोल्यूशन एक्स सोल्यूशन का, और वो कौन सा कलर इम्पार्ट करेगा अगर हम उसको चाइना रोज इंडिकेटर से टेस्ट करेंगे। तो आंसर में लिखा गया है रेड लिटमस पेपर रिमेन्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, जो रेड लिटमस पेपर है वो रेड रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन एक्स है हमारा वो एसिडिक है नेचर में। उसके बाद जो चाइना रोज सॉल्यूशन टर्न्स डार्क पिंक इन एसिडिक मीडियम, जो चाइना रोज सॉल्यूशन है वो टर्न होता है डार्क पिंक और इन एसिडिक मीडियम में, सो वो हमें कौन सा कलर देगा, डार्क पिंक कलर देगा, या डार्क पिंक की जगह आप मजेंटा कलर भी बोल सकते हो। तो स्टूडेंट ये हो गए हमारे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन आपको बुक के अंदर, सॉरी पेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करने हैं साफ साफ राइटिंग में। और इसी के साथ आपका जो ये लेसन है एसिड बेस एंड सोल्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेसन पे हम वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट लेसन आपको समझाऊंगी हमारा जो सिक्स्थ लेसन होगा। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी उस लेसन की लाइन टू लाइन, आपकी बुक जो है आप उसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड होंगे मैं आपको मीनिंग लिखवाऊंगी, साथ साथ में आपको वहां पे लिख लेना है कि इसका मीनिंग क्या है। और जितना भी काम अभी तक मैंने आपको करवा दिया वो आपको फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है और साथ में इनको लर्न भी करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस जो हमारा लेसन फिफ्थ है इसका आगे टेस्ट भी होगा जो 20 मार्क्स का होगा आपका, ठीक है। और
इसमें हमने एसिड बेस और सॉल्ट में हमने क्या क्या करा, क्या किया? सबसे पहले करें एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करने हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन, और हमने बुक वर्क किया, ठीक है। और हमने क्या करें, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करें, और हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स के जो सोल्ड क्वेश्चन आपके बुक के अंदर वो किए, वो आपको सिर्फ लर्न करने हैं, राइट डाउन नहीं करने किसी भी नोटबुक के अंदर। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले लेसन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग लिखते हैं। वर्ड मीनिंग के बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिखने हैं, पहले वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, और फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो खत्म होता है। होप कि आपको जो भी मैंने काम करवाया वो समझ में आया होगा अच्छे से। सो स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।